सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर न्यू एग्जाम्पल। वो इस एग्जाम्पल के अंदर हम लोग को वेब साइट मैप बनाना है एंड देन ट्री व्यू कंट्रोल और डेटा लिस्ट कंट्रोल के साथ उसको मर्ज करना है। दैट्स इट, एकदम सिंपल है। लेकिन पहला तो बता रहे डॉट कॉम एंड देन यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि ये मेरा याहू न्यूज ही है लेकिन ये स्पोर्ट्स का है। ओके डॉट कॉम, देन यहाँ पे टाइटल इज नथिंग बट स्पोर्ट्स एंड देन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दैट इज नथिंग बट स्पोर्ट्स। ओके सो दैट्स इट, शॉर्ट हैंड टाइप में क्लोज कर देना इसको। और स्पोर्ट्स के साथ साथ मेरे पास एक है और एक न्यूज जो है ग्लोबल न्यूज। ओके सो यहाँ पे टाइटल भी दे दो ग्लोबल और यहाँ पे भी दे दो सपोज ग्लोबल। सो द साइट मैप इज रेडी, सो आई जस्ट वॉन्ट टू शो इट ऑन द वेब पेज। एक्चुअली इसका मतलब अलग रहता है। ये साइट मैप ऐसा रहता है कि एक रोडवे की तरह होता है जो आपको ओवरव्यू बता रहता है कि आपको हर पेज के अंदर नेविगेट कैसा करना है। ओके सो साइट मैप गूगल भी यूज़ करता है सर्च करने के लिए ताकि उसको समझ में आ जाए कि रूट नोड कौन सा है और उसका चाइल्ड नोड कौन कौन से है। ओके सो अपना वो टेस्ट के पास जाते हैं जो हम लोगों ने बनाया था, याद है ना? ओके समवेयर हियर वी डिड टेस्ट वाला चीज़ यहाँ पे है। लेट्स गो टू डिज़ाइन एंड लेट्स यूज अवर विच कंट्रोल। उन्होंने क्या बोला था? दे नीड अ ट्री व्यू कंट्रोल एंड डेटा लिस्ट। ओके नॉट एन प्रॉब्लम, लेट्स गो एंड फाइंड आउट ट्री। ओके जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप इट। तो ये पूछेगा कि मेरे को डेटा सोर्स क्या है, तो जस्ट क्लिक ऑन एड न्यू डेटा सोर्स। उसके अंदर XML फाइल मिलेगी विच इज कॉल्ड अ साइट मैप। यू क्लिक ऑन इट एंड क्लिक ओके। सो यू विल एबल टू सी, आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अभी मेरे को एक चीज़ नहीं दिखाई दे रही है, अ टॉप मोस्ट थिंग। सो लेट्स सी व्हाट हैज हैपेंड हियर। सो दिस इज अ वन मोर माई नोड एंड दिस इज अ मेल, दैट्स नॉट एन इशू। एंड इसके अंदर ये सारा चीज़ें हैं, तो ये मेरा याहू और उसके अंदर का सारा चीज़ें मिल जाना चाहिए प्रॉपरली। सो आई डोंट थिंक सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम। ओके ये नोड है, इसके अंदर एक नोड है, दैट्स इट। सॉरी सो लेट्स गो, लेट्स व्यू इट इन द ब्राउज़र, सेव इट। सो याहू न्यूज़ दिखाई दे रहा है लेकिन ऊपर के सारे चीज़ें कंटेंट दिखाई नहीं दे रहे हैं। सो वी हैव टू फिगर इट आउट व्हाई इट इज़ नॉट शोइंग। सो लेट्स गो टू द साइट मैप, एवरीथिंग इज़ प्रॉपर। ये बराबर आ गया है, साइट मैप नोड के हिसाब से अंदर आ गए हैं। ओके ओके लेट्स सी अगेन, गलती से एस टाइप हो गया था, इट्स नॉट एन इशू। सो मेल एक नोड है, लेट्स क्लोज इट एंड देन साइट मैप नोड, इट्स नॉट एन इश्यू। आई कैन हैव अ ब्लैंक नोड, इसका कोई इशू भी नहीं है, ये भी सही है। ओके लेट्स रिफ्रेश इट अगेन, नो आई एम अनेबल टू सी इट। लेट्स ऐड समथिंग इनसाइड इट, लेट्स सी। ओके ये एक नोड मिल गया, ये एक नोड मिल गया एंड दिस इज द रूट नोड। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द रूट नोड, I should able to see Yahoo, but why I'm unable to see this thing which is called as node? I have not given a title, man. That's the issue. So यहाँ पे मैं लिखना चाहिए Yahoo Mail, तभी तो दिखाई देगा. Okay, so that's it. So if you're willing, you can remove those things. मैंने title नहीं दिया था, इसके लिए display नहीं हो रहा था. That was the only thing. अब यही चीज़ अगर देखने को जाएंगे तो हम लोग क्या चाहिए, डेटा
कंट्रोल चाहिए था. लेट्स सी डेटा लिस्ट, इट्स कॉल्ड एज डेटा लिस्ट. यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप इट हियर अगेन एंड देन जस्ट गो एंड क्लिक ऑन द साइट मैप, देन दिस थिंग विल बी डिस्प्लेड हियर. वन बाय वन दिखाई देगा. ओके, इफ यू चूज एन ऑटो फॉर्मेट, देयर आर प्लेंटी अमाउंट ऑफ फॉर्मेट्स आर देयर व्हिच यू कैन चूज. ओके, लेट्स सेलेक्ट दिस, लेट्स अप्लाई इट. एंड इवन आपको अगर चाहिए तो आप टेम्पलेट के हिसाब से भी उसको एडिट कर सकते हो, बट यहाँ पे इतना कोई ज़रूरत है नहीं. सो जस्ट गो एंड रिफ्रेश इट. उसको आपको जो पहला रूट है वो दिखाई दे देगा या हो. ओके, सो दिस इज हाउ इट इज. अ वेरी सिंपल क्वेश्चन है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है. ओके, दैट्स इट.